हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम विद दी अनदर न्यू क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता होंगे जो पी अपॉन क्यू होता है, यानी कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, उस पी अपॉन क्यू को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू हम पी अपॉन क्यू में रखते हैं। तो फ्रैक्शन एंड अ फ्रैक्शन इटसेल्फ, यानी कि वो यहाँ पे बात कर रहा है, और इज इक्वल टू, यानी कि 9/20 आपको दे रखा है। फ्रैक्शन की वैल्यू आपको ऑप्शन यहाँ दे रखे कि फ्रैक्शन निकालना है। उसने बोला डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में उसने बोला बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एक तो, और साथ में एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ। यानी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले फ्रैक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, तो जैसे हम यहाँ पर लेट द फ्रैक्शन बी एक्स लेंगे तो उसने यहाँ पर हमारे को डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो एक्स अपॉन वन लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पी अपॉन क्यू में वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, और डिफरेंस एक्स यानी कि फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर इसने एंड दिया है। ये चीज की कंफ्यूजन स्टूडेंट्स करते हैं, फ्रैक्शन में से इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम नहीं दिया, अगर फ्रॉम दिया होता तो फ्रैक्शन की वैल्यू को पहले लिखते, लेकिन यहाँ पर इसने रेसिप्रोकलेट वाली वैल्यू को पहले बोला। तो वन अपॉन एक्स माइनस यानी कि एंड माइनस फ्रैक्शन यानी कि डिफरेंस निकाल दिया मैंने, इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ 9/20, सिंपल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका आप एलसीएम ले लेंगे विच इज एक्स, तो इसके पास तो वन ही आएगा और इसके पास एक्स नहीं है, तो ये दोनों एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/20। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिंपल ये हो जाएगा 9x, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 20 - 20x2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 20 को इधर ले आइए, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो हम एक पूरी इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20x2, उसके बाद ये 9x आपका यहाँ पर है तो ये प्लस में है, तो इसको तो हम प्लस में रखेंगे 9x, और यहाँ पे ये प्लस में था तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -20 = 0। अब आपका ये एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको इनका क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है, यानी कि फैक्टर्स बनाने। अब देखिए हमको क्या करना होता है, जो फर्स्ट डिजिट होती है उसकी लास्ट डिजिट को दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 400, लेकिन ये प्लस है ये माइनस में, यानी कि आपका आंसर आ गया यहाँ पे -400। अब देखिए दो डिजिट ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाए -400, और ऐसी दो डिजिट चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाए 9x, यानी कि प्लस में 9x, 9 आ जाए आपका आंसर। तो देखिए ऐसी कौन सी दो डिजिट होगी, ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि फैक्टर कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, 400 का ना एलसीएम ले लीजिए। देखिए मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, 400 का एलसीएम लेंगे। देखिए जब आप क्वेश्चंस करते चले जाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी फिगर्स होती है जिनकी चीजें आपको रट जाती है, मतलब जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे वैसे ही पता है, आपको भी प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही चीजें बताऊंगी कि इसका निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एलसीएम। तो 200 आ गया, फिर 2 से करा ये 100 आ गया, फिर 2 से करा ये 50 आ गया, फिर 2 से करा 25 आ गया, फिर आपने 5 से करा 25 आ गया, फिर 5 से करा। अब देखिए 2 आपके पास यहाँ पे 4 टाइम्स है, 5 आपके पास 2 टाइम्स है, तो 2 × 4 = 8 × 8 = 16, 16 × 5 = 25। अगर 25 को आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी एक तरीका बता देती हूँ, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो गया, बचा आपके पास 6, तो 250 के बाद आप ले जाइए, 250 के बाद आप सिंपल 275 300, 50 × 25 = 350 and then 375 and then 400, टोटल 6 आ गए, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करके आपका पूरा बन रहा है 400। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी तो आप कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं हर चीज में मल्टीप्लाई करना। तो 600 आपके 400 आपके पास आ गया, तो 25 को मल्टीप्लाई करा मैंने किससे, 16 से, तो अगर मैं 25 में से 16 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 9 भी आता है, यानी कि मिडिल वाली डिजिट, यानी कि दो नंबर आपको फाइंड आउट होगा। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम का फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 9 स्टैंडर्ड की क्लास में मैंने ये चीज बताई हुई है फैक्टराइजेशन का। तो देखिए 20x2, अब सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ माइनस में चाहिए और यहाँ पॉजिटिव में चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे इस केस में, आप सिंपली छोटी वाली डिजिट को माइनस में लेंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे 25 मल्टीप्लाई बाय -16 तो आंसर आ जाएगा -400, और 25 में से प्लस माइनस -16 करते हैं तो आपके पास 9x आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में 9x आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ प्लस
25x, और उसके बाद मैं सिंपल लिख लेती हूँ -16x -20 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है ना, तो इसको माइनस अंदर लेकर चले, क्योंकि अगर आपने माइनस बाहर लिया तो अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, तो इसके अंदर इस तरीके से आप मत लेके चलना। अब आप यहां पर ले लीजिए 20 25 में आपका कॉमन जा रहा है 5 और एक एक्स भी, तो सिंपल आपके पास बच गया 4 और यहाँ पे बच गया x, एंड देन आपके पास बच गया यहाँ पे 5 और नो x क्योंकि ऑलरेडी निकल गया। अब आप माइनस कॉमन ले लीजिए और इसमें आप देखिए 4 कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो 4 ले लीजिए, ब्रैकेट में आपके पास आ गया 4 4 16 होता है। ठीक है, और आपके पास आ गया x और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 होता है 20, तो ये 5 आ गया। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम बचे हैं, तो यानी कि 4x प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट बन गया 5x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं बात करूं 4x इक्वल्स टू, ये यहाँ उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, और x की वैल्यू होगी -5/4, और अगर मैं बात करूं इसकी बात करूं तो ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 4 पॉजिटिव में चेंज हो गया, और x की वैल्यू होगी 4/5। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल मतलब इक्वल टू जीरो है, तो बेसिकली माइनस में तो आंसर नहीं जा सकता, क्योंकि जीरो से नीचे जाके माइनस में होता है, तो ये वाला तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये वाला आपका ऑप्शन होगा 4/5। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी 4/5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा तो आप किसी भी तरह की ट्रिक नहीं सीख सकते, क्योंकि ट्रिक्स इतनी सारी होती है कि एक ही ट्रिक को 100 तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक टिप दूंगी आपको, और आप देखिएगा कि उसके अंदर वैदिक मैथ्स की मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी, जिसपे लोगों ने बोला कि आप इसको इस तरीके से अगर इस तरीके का करेंगे डिजिट लगा करके तो क्या आंसर आना चाहिए, तो क्या ट्रिक लगेगी। देखिए क्वेश्चन को मैंने सिर्फ घुमाया था, यानी कि एक ही ट्रिक से निकली हुई 100 ट्रिक्स होती हैं। वही चीज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बताने की कोशिश में हूँ कि सिंप्लीफाई अगर आपको टिप्स पर है, यू कैन इजीली फाइंड आउट एनी क्वेश्चन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। वैदिक मैथ सिर्फ फास्टर कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, तो आप सिंप्लीफाई से भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे।